मुंबई की हवा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो वहीं शहर के तापमान में भी बदलाव जारी है। इस वजह से लोग काफी संख्या में बीमार हो रहे हैं। लोगों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सांस लेने में तकलीफ के साथ ही अधिकतर लोग सर्दी खांसी और बदन दर्द से पीड़ित हैं। मुंबई में रविवार को तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि बीते दो दिनों से लगातार मुंबई का अधिकतम तापमान देश में सबसे अधिक रहा है। पिछले दो दिनों से शहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की माने तो इस वर्ष मुंबई शहर में दिसंबर के महीने में तापमान अपनी सामान्य सीमा से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। इस बार समुद्री हवाओं की प्रकृति बदल गई है, जिसकी वजह से मुंबई के निवासियों को पिछले महीने भर से प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों तक मुंबई की हवा दिल्ली के मुकाबले अधिक खराब रही। डॉक्टरों ने लोगों से फेस मास्क पहनने और जरूरी न होने पर घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। मुंबई के निकाय अधिकारियों का कहना है कि वे हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील कांबले, उप महानिदेशक प्रादेशिक मौसम केंद्र मुंबई। आपने देखा होगा कि पिछले 2-4 दिन से मुंबई का तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री तक की नोंद हो चुकी है। इसका जो मुख्य कारण है वो पवन की दिशा ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली होने के कारण तथा वेस्टर्ली विंड लेट सेट होने के कारण ये तापमान में बढ़ोतरी हो गई है और आगे आने वाले दो दिन में यही बढ़ोतरी जारी रहेगी और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में और नॉर्थ साउथ कोंकण में 2 डिग्री तक ड्रॉप होने की संभावना है।